Right. Starting the temperament number. Temperament number. Temperament number को अगर हम करें पहले start करें तो temperament आप समझें it's a kind of an analysis जहाँ पे the temperament numerology अगर describe करें हम इसका हमारा view point हमारे determination and intuitive component जो हमारी birth name से मिलता है इसका ये मतलब बताना चाह रहा हूँ आपको temperament numerology आपको ये बता देगी बिना किसी की डेट ऑफ बर्थ के कि वो व्यक्ति का किस लेवल पे स्टैंड करता है वो आप अपने ऑफिस में घर में बैठे हो कहीं पे बैठे हो नाम है जैसे इतने सारे नाम हमारे पास आ रहे हैं एक दो हम पिक भी कर लेंगे अभी इसमें से टेम्परामेंट की इस पॉइंट ऑफ व्यू से नाम से सिर्फ और सिर्फ नाम से उस व्यक्ति का टेम्परामेंट कैसा होगा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड इंट्यूटिव लेवल पे जिसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम टेम्परामेंट न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं ये न्यूमरोलॉजी हमारे को स्ट्रॉन्ग और वीक कंपोनेंट देगी विद परस्पेक्टिव टू फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड इंट्यूटिव और जिसमें हम फिजिकल को यहां पे हम बोलते हैं फिजिकल इज अ टेंजिबल मैटर्स मेटेरियलिस्टिक मैटर्स दैट्स अ फिजिकल फॉर्म राइट प्रैक्टिकल फिजिकल हार्डवर्क हार्डवर्क प्रैक्टिकल अफेयर्स फिजिकल एडवेंचर्स लाइक द बॉडी हमारी अपनी बॉडी इस संसार की फिजिकल एक्टिविटीज टेंजिबल जो देखी जा सकती समझी जा सकती टेंजिबल मेटेरियलिस्टिक फॉर्म ये फिजिकल एक्टिविटीज पहले मैं चारों का मतलब समझा देता हूं फिर देन वी विल कैलकुलेट हम दो तीन एंड अप पिकअप करेंगे विल कैलकुलेट मेंटल मेंटल लॉजिकल दिमाग से संबंधित सिंपल थिंकिंग थिंक बैंक जहां रीजनिंग आ गई रीजनिंग ठीक है मेंटल एटीट्यूड जहां ये चीज आ जाएगी वहां पे बिजनेस आ जाएगा लीडरशिप आ जाएगी लॉजिकल कंक्लूजन आ जाएंगे लार्ज बिजनेस आ जाएगा पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा दिमाग चाहिए है वन ऑफ द हाईएस्ट रिक्वायर्ड मेंटल कैपेबिलिटीज पॉलिटिक्स ठीक है इंटेलेक्चुअल अफेयर्स डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड होना विल पावर स्ट्रॉन्ग दैट ऑल कम्स अंडर द मेंटल कंपोनेंट्स Now the next form is emotional, emotional feelings, sentiments, love, affection, sympathy, friendship, दोस्ताना, लोगों से relation, दिल से दिल मिलना, ठीक, जिसके अंदर facts, logics का काम उतना नहीं होता, emotions में facts and logic नहीं चलते, दिल से दिल, love, affection, emotions, feeling सेंसुअलिटी की कदर उनका रिगार्ड ये इमोशनल इंट्यूटिव इंट्यूटिव अंदर की आवाज इनर वॉइस अंदर की आवाज की गाइडेंस लिसनिंग टू द इनर वॉइस फॉर गाइडेंस मेटाफिजिकल साइकिक कुछ एग्जाम्पल ऐसे कैसे और भी हो सकते हैं इंट्यूटिव अवेयरनेस इनर इंट्यूटिव इनर अवेयरनेस ठीक है नॉन मेटेरियलिस्टिक क्योंकि इंट्यूशन में मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं आएगी वो इंट्यूटिव है तो नॉन मेटेरियलिस्टिक या स्पिरिचुअल रिलीजियस भी कह सकते हैं इसको स्पिरिचुअल है रिलीजियस भी कह सकते हैं विजडम भी कह सकते हैं ये हो गए चार कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया ठीक है इन चार कंपोनेंट को भी हम आगे करेंगे अपने चैप्टर में ऐसा नहीं है कि जो मैंने आज कर लिया तो हम आगे वाली अपनी जर्नी में नहीं करेंगे इसको भी इस टाइम पे हम करेंगे अब कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा न्यूमरोलॉजी का क्लास है हमारा और न्यूमरोलॉजी के हमें 1 to 9 तक में बताया ही नहीं है हमें अल्फाबेट की तो हमें किसी की परिभाषा पता ही नहीं है परिभाषा हम आराम से करेंगे परिभाषा पूरी परिभाषा करेंगे क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की अभी परिभाषा आधे लोगों को तो पता होती है बोरिंग हो जाता है कुछ नया आना चाहिए ना ये तो सब्जेक्ट बिल्कुल नया टेम्परामेंट किसके हाथ भी नहीं आया तो परिभाषा एक्टिविटीज उसके कंपोनेंट्स कुछ नए फैक्टर पैरामिड न्यूमरोलॉजी सब चीजें हम करेंगे आगे तो टेम्परामेंट कर रहे हैं आज हम टेम्परामेंट कर रहे हैं हर व्यक्ति के नाम में ये चार चीजें निकलेंगी तो इसका ये मतलब हुआ पी फिजिकल एम मेंटल
ई इमोशनल आई इंट्यूटिव इन चार अल्फाबेट के अंदर, इन चार अल्फाबेट के अंदर जो 27 अंग्रेजी के, जो 26 अंग्रेजी के अल्फाबेट्स हैं उनको हमने बांट दिया। फिजिकल को चार अल्फाबेट मिलते हैं, मेंटल को चार कौन से मिलते हैं टेबलो फॉर्म में हम देखेंगे आगे जाके, मेंटल को 7 अल्फाबेट मिलते हैं, इमोशनल को 8 अल्फाबेट मिलते हैं और इंट्यूटिव को 7 अल्फाबेट मिलते हैं। 7 × 2 = 14 और 8 × 22 = 4 = 26 अल्फाबेट पूरे होते हैं। अब इसका कैलकुलेशन ये है जो हम यहाँ पे अभी करेंगे, बताएंगे, करके देखेंगे। जो अल्फाबेट जितना ज्यादा आएगा वो उतना स्ट्रांग होगा और जो कम आएगा वो उतना वीक होगा उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के जीवन में। हाउएवर वो प्रयास भी करेगा तो उसकी फुलफिलमेंट में उसको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं मिलता। प्लस 25% से अगर नीचे हो गया कोई भी अल्फाबेट इसके अंदर से, फिजिकल मेंटल इमोशनल और इंट्यूटिव के अंदर, तो उसकी स्ट्रेंथ उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा घट जाती है, उसकी स्ट्रेंथ उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा घट जाती है। ठीक, इसकी रेशियो कैसे है वो रेशियो भी हम बताएंगे, अभी के लिए इतना ही मांग के चलते हैं और इसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशंस लेके चलते हैं अभी कि हम इसको चेक करके देखें, आइडेंटिफाई करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं। ना यहाँ पे अभी मैं रैंडमली कुछ नाम पिक कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी 2-3 नाम क्विक, एनीबडी रेज हैंड, वी विल कैलकुलेट इट राइट अवे। अर्चना जैन जी, दो संगम जीत जी, जिसका पूरा नाम होगा, पूरा नाम चाहिए, ठीक है जी। चलिए इसको मैं आपको निकाल के मैं इसकी वैल्यूज बता रहा हूँ आपको, एंड देन यू रेट इट, ठीक है। एंड हम इसको क्या इसकी टेबलर फॉर्म है दैट वी विल डू इन अवर जर्नी, अभी के लिए मैं आपको इसको निकाल के आई एम गिविंग यू द वैल्यू ऑफ इट, गिव मी अ मिनट प्लीज। हम ए अर्चना जैन ही लेके चलेंगे अभी के लिए यहाँ पे जी, ए अर्चना जैन, ए आर सी एच ए एन ए राइट, right, J A I N, ये इन्होंने स्पेलिंग यहाँ पे लिखी अपनी, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, ठीक है। अर्चना जैन जी के नाम में कितने, किस लेवल पे आ रहा है, लेट अस सी। ए जो होता है वो मेंटल की कैटेगरी में आता है, आप दिमाग से बहुत ज्यादा काम लेती हो अर्चना जी, एक बात तो ये पक्की है जी सर, दिमाग का आपके जीवन में बहुत महत्व है, सभी के लिए होता है बट कई लोगों का दिमाग की जगह दिल होता है तो वेरिएशन आ जाता है, तो उस हिसाब से हमने बताया, क्योंकि जो पहला अक्षर होगा जिस प्लेन को वो इफेक्ट कर रहा होगा वो उसके जीवन में प्रोमिनेंट स्पेस लेगा, और वो व्यक्ति, क्योंकि ये सारी चीजें इनर कॉन्शियस से कनेक्ट कर रही है, सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर रही है, तो ये चीजें जब सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर रही है तो इंसान पहला ही अक्षर पे ये बता देगा कि उस व्यक्ति के जीवन में आप, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ इट। किसी का आपने नाम पढ़ा और आपके पास टेबलर फॉर्म में पूरी टेबल है कि फिजिकल मेंटल इमोशनल इंट्यूटिव कैसे कार्य करते हैं, तो आप शुरुआत में बता दो कि भाई तुम जो है अपने जीवन में इस तरीके से चीजों को रिलेट करते हो, और इनका अभी नाम अभी निकल जाए पूरा एक बार तो हम वैसे बता देंगे। अर्चना जी, जी सर, फिजिकल फॉर्म पे यू आर वेरी वीक, जो मैंने फिजिकल बोला पहले शुरुआत में, फिजिकल की डेफिनेशन दी थी वीक, इन द सेंस की व्हाइल सेइंग वीक डजंट मीन कि हमारे पास चीजें नहीं है, टेंजिबल चीज जीवन में नहीं होंगी, बट टेंजिबल चीजों की तरफ झुकाव आपका इतना स्ट्रांग नहीं है इन कंपैरिजन टू मेंटल एक्टिविटीज। यू आर ए थिंक बैंक, यू आर ए माइंडफुल बैंक, लॉजिकल, हर चीज में लॉजिक्स आपके हमेशा आगे रहते हैं, फॉलोड बाई आपके इमोशंस आते हैं। इंट्यूटिव पावर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, इंट्यूटिव स्किल्स जल्दी डेवलप नहीं हो पाती। आपने काफी प्रयास किया, काफी आपने विद्या हासिल करी है, उसके माध्यम से आप कर पा रहे हैं। इन जनरल अगर आप पिछले कुछ समय की जर्नी को हटा दो तो इंट्यूटिव पावर के लिए आपको थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है इन कंपेरिजन टू दी मेंटल एक्टिविटीज और इमोशनल फॉलोड बाई।
इज दैट राइट ऑफ सही है दूसरा सा काम इट्स अ मैटर ऑफ वन मिनट ये स्पेलिंग अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं जब हम स्पेलिंग की करेक्शन करते हैं अब ये बात समझना भी आपको कितने लोग टेम्परामेंट चेक करते हैं कि भैया तेरा टेम्परामेंट स्पेलिंग करेक्शन के बाद ये आएगा तो कितने लोगों को बता पाते हैं और जब ये बता नहीं पाते उसको ये पहले बता देना चाहिए भैया अब आपके केस में यू आर वेरी वेरी हेड ऑन पर्सन क्योंकि आपका मेंटल लेवल की वैल्यू 9 है और इमोशनल लेवल की वैल्यू 2 है मैंने बताया इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन इमोशनल एंड मेंटल और जो इंट्यूटिव लेवल की वैल्यू 1 है फिजिकल लेवल की वैल्यू 0 है तो ऐसे व्यक्ति को मेंटल लेवल जब इतना स्ट्रांग हो जाता है तो लॉजिक्स की वजह से ही एक अपने आप में चैलेंज क्रिएट हो जाता है ऐसे व्यक्ति को अपने स्पेलिंग में करेक्शन करके मेंटल लेवल को नीचे ले आना चाहिए दूसरी जगह चीजों को जगह देनी चाहिए सो देयर इज एब्सोल्यूट नीड ऑफ अ चेंज इन द नेम बिकॉज मेंटल को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा बाकी जो वैल्यूज है वो बिल्कुल नहीं आ रही उसको लिफ्ट करना पड़ेगा तब भी इट कैन बैलेंस आउट एंड दिस इशू दिस न्यूमरोलॉजिकल चेंज स्पेलिंग change correction is neither teach in the Losho grid nor in Chaladiya right and this is a combination sir aap mera bhi bata rahe the namrata kandari ka bada bata de the journey mein to sabhi ka karenge isme bhi baat hi hai chaliye ek aur name lete hain yahan pe quickly to Alka Malhotra ji ka name correction karte hain usko ek minute dijiye Alka ji जी आप इमोशनल इंसान है अलका जी यू आर आल्सो अ मेंटल प्लेन पर्सन हाउ एवर यू आर इमोशनल आल्सो इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा होगा यू थिंक यू कीप थिंकिंग लॉजिकली बट अलोंग विद इमोशंस फिजिकल और इंट्यूटिव लेवल पे कंपैरेटिवली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आता विद्या ग्रहण करने के बाद यस इंट्यूशन डेवलप होती है दैट यू आर डूइंग इट हाउएवर बाय डिफॉल्ट विद्या ग्रहण करने से पहले इंट्यूशन अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं थी इन कंपैरिजन टू दी लॉजिकल माइंड एंड इमोशनल माइंड ये दो माइंड आपके प्रॉमिनेंट आते हैं इज दैट राइट और यस सही एक मिनट का के आप अगर ये सीख गए तो एक मिनट में किसी को बैठे बैठे आप इंटरप्ट तो उसकी न्यूमरोलॉजी में क्यों कर रहे हैं नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट दो हैं सबसे पहले खड़े हुए थे संगम जी जी का और एक अतुल जी का तो संगम जी जी अपना आपका ओरिजिनल नेम बताएं रजनीश शर्मा स्पेलिंग करें आर ए J N double E S H S H A R M A. Okay, मैं रिपीट कर रहा हूँ. Correct me if I'm wrong. R. चलो आप इमोशन आदमी हो तो ये करते हैं. A. J. N. E E S H शर्मा का S H A R M A आपके इसमें आया
रजनी जी आप इमोशनल इंसान हो ठीक ठीक है ठीक है। और इमोशनल इंसान के साथ जब मेंटल पेन आ जाता है, मेंटल एक्टिविटी ज्यादा होती रहती है, तो उसमें ना फ्रस्ट्रेशन जल्दी हो जाती है। मतलब मैंने बाकी के लिए नहीं बोला क्योंकि आपकी वैल्यूज डिफर कर रही है उनसे और आपका कनेक्ट भी स्टार्टिंग भी कनेक्ट डिफरेंट आ रहा है, तो आप इमोशनल आ जाते हो प्राइमरी। साथ में जब मेंटली अटैचमेंट आती है, मेंटल लॉजिक्स बहुत लगते हैं इमोशन के साथ, तो फ्रस्ट्रेट भी जल्दी हो जाता है। और इसको आप ऐसे रेट कर ले सकते हो, जब इंसान ऑक्टेंट में आने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करे, अपने दायरे में रहे, लिविंग दैट अ पार्ट प्रायर टू द लाइफ, गो देयर एंड सी देयर, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी बिल्ड होती है। ये आपके नाम के नंबर से, मतलब नंबर नहीं, कोई नंबर यूज नहीं किया, नथिंग, नेम नोलॉजी, नंबर का तो काम हम भी करेंगे, सिर्फ टेम्परामेंट ठीक। इसके अलावा फिजिकल फॉर्म पे यू आर गुड, फिजिकल फॉर्म पे यू आर गुड, मैटरिस्टिक वर्ल्ड के अंदर यू आर गुड, आपका नाम आपको मैटरिस्टिक चीजें देता है जीवन में, इंट्यूटिव चीजों के लिए मेहनत है, इंट्यूटिव बिना मेहनत के आपको जीवन में हासिल नहीं होता। ये आपका नाम से, जो आपने नाम बताया रजनी शर्मा के नाम से, ये आउटकम टेम्परामेंट नंबर से आता है। मेक सेंस? इज इट ट्रू और रॉन्ग? यस ट्रू। आई थिंक इंट्यूशन, इंट्यूशन में हम लुक्स लाइक कि मेरा कुछ जा नहीं है इंट्यूशन में जो है। यस, तो इंट्यूशन जीरो आ रही है सर, वहां पे वैल्यू नहीं आ रही। जीरो मैं बोलना नहीं चाहता, जीरो, लेकिन यस राइट, तो वो वैल्यू नहीं आ रही है, जीरो है, मतलब हमें वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, वी डिडंट गेट वैल्यू एट ऑल। अरविंद मित्तल, आई थिंक वी डिड इट बेनी, अरविंद जी हम ये वो चार पांच हमने कर लिया, मतलब द पॉइंट ऑफ सेइंग दैट, थैंक यू जी।